कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करता है, सुना है कभी? एक्सपीरियंस क्यों है? एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ अम्मी तो, क्योंकि हर चीज़ अम्मी डील करती है ना. ओके तो मुझ तक तो कोई पहुंचा नहीं है कि डायरेक्ट लाइक अच्छा काम करना है. ओके तो मेरे साथ तो अल्लाह का शुक्र ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, और अब तो बिल्कुल नहीं हो सकता. तो एग्जिस्ट तो मुझे लगता है करता है. सुनी नहीं आपने कहानियाँ? हाँ. ओके, एटीट्यूड कैसा है जनरली लोगों का इंडस्ट्री में, नए लोगों के साथ कैसा होता है? सपोर्टिव होता है? अच्छे हैं, अच्छे. okay. कुछ कहीं ना कहीं रूड होते हैं, लेकिन मुझे लगता है इतना 6 महीने एक प्रोजेक्ट में गुजार रहे होते तो वो जो रूडनेस होती है वो खत्म हो जाती है. तो वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं. फिर आप जब जो नया एक्टर होता है ना, उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है. जो नया स्ट्रगलिंग एक्टर होता है ना, उसके लिए अपनी जगह बनाना मुश्किल होता है थोड़ा. ट्रू. अब मेरा ये है कि मैं सेट्स पर जाती हूँ ना, तो शुरू के कुछ दिन तो मुझे सब कहते हैं बहुत रूड है बात. मैं तो एयरपॉड्स लगाए हुए नेटफ्लिक्स देख रही हूँ, या क्योंकि मैं शुरू में ना बात नहीं करती खुद से जाके किसी से भी. सलाम दुआ कर लिया, अच्छे से रहती हूँ मैं. कोई एटीट्यूड नहीं दिखाती, कोई रूड नहीं रहती. बस मैं एक कोने में बैठ जाती हूँ. सेट के पहले दिन मुझे मेरे कोना मिल जाए, उधर लाइव अप मिलेगी आपको, या तो सो रही होगी या नेटफ्लिक्स देख रही होगी. तो फिर जब मेरी बन जाती है, फिर लाइव अप अच्छा कोई है नहीं पूरे सेट पे. ओके, फिर दिल लगा के रखती हूँ सबका. लाइक सबके साथ बहुत अच्छे से रहती हूँ, सबके साथ, एक्ट्रेस के साथ भी, बाकी जो हमारी टीम होती है सबके साथ. तो मेरा ये है कि टाइम लगता है थोड़ा सा. अच्छा, आपने माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे अच्छे नामों के साथ काम किया हुआ है, तो थोड़ा सा मैं नाम लेती हूँ, आप बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था उनके साथ. अफान वहीद, अफान भाई. अच्छा, वो तो पहला. अच्छा, मुझे ये भी हो रहा था, यार मैं बताती हूँ. अफान भाई का एक ड्रामा आया था, मुझे ड्रामे का नाम क्या था, नाम नहीं याद, नीलम मुनीर के साथ. मैं छोटी थी बहुत उस टाइम पे, और मैं बोलती यार कितने प्यारे और एक्टिंग तो दूर दूर तक इंडस्ट्री आने कुछ नहीं, अल्लाह ताला ये कितने प्यार. मैं तो फ़ैन थी ना उनकी, बहुत बड़ी वाली फ़ैन. और जब विदो बोल ऑफर हुआ, उन्होंने कहा अच्छा तुम ना अफान भाई की छोटी बहन. बस लाइक क्या क्या अफान भाई की छोटी बहन, अफान की छोटी बहन, अफान भाई की छोटी. मैं यूँ थी, मैंने कहा मैं क्या बोलूँ, भाई हट गया, भाई हट गया, भाई आगे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ ना. तो मैंने कहा कोई भी कैरेक्टर मैं तो करूंगी. अच्छा, जब मैं सेट पे गई, मैंने उनको देखा, मैंने उनको कभी नहीं बताया कि मैं आपकी फ़ैन थी. अभी, और मैं दूर दूर बैठी थी, पहले पता चलेगा, हो सकता है पता चलेगा. तो उन्होंने वो बड़ा अच्छा गाइड करते रहते थे, एक्टिंग ऐसे करो, टाइम लिया करो, क्योंकि वो उनको मैं देखती थी ना कि वो बड़े अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, तो मैं उनको खड़े होकर देखती थी. अच्छा, इन्होंने ऐसे किया. तो वो मुझे पढ़ाई से रिलेटेड बहुत गाइड करते थे, तुम ये ले लेना इंटर में. तो वो बहुत अच्छे, माशाल्लाह, वो नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, वो सबके साथ अच्छे से रहते हैं. तो उनको मैंने देख के बस यही सीखा कि यार आप अच्छे से भी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं. क्योंकि शुरू शुरू था ना वो, तो देखती थी और भी एक्टर जो रूड रहते थे, रूड बिहेवियर होता था. बट वो बहुत फ्रेंडली हैं, वो बहुत फ्रेंडली हैं, अपने काम से काम रखते हैं और अच्छा सिखाते हैं, अच्छा गाइड करते हैं. तो अफान वहीद, फहद मुस्तफ़ा भी आपके क्रश हैं. विच वन ऑफर हुआ है, वेयर आर यू गोइंग? फहद भाई, फहद मुस्तफ़ा से मुलाकात हुई? नहीं नहीं. सो उनकी ड्रामों से फ़ैन है या मूवीज़ की फ़ैन है आप? बचपन ड्रामा से फ़ैन हूँ. कौन सा फेवरेट ड्रामा है? यार उनका एक ड्रामा आया था दूसरी बीवी, और वो मेरा साइन था. ओके, तब से मैं उनकी फ़ैन हूँ. और एक दफ़ा मैंने उनको ऐसे ही देखा था रोड पे, लाइक वो अपनी गाड़ी से उतारे थे, तो तब मैंने बोला वाह माशाल्लाह माशाल्लाह. तो मैं उनकी तब से फ़ैन हूँ. फ़ैन तो ड्रामा से थी, बट उनका एक ड्रामा आया था, पता नहीं उनको भी याद होगा या नहीं, उनकी एक टेलीफिल्म थी कलंक के नाम से. ओके, तो तब से मैं फ़ैन. 2010 की बात है वो. अगर आज ऑफर हो जाए कि लाइबा को रोल मिल गया, लाइबा तो एक सीन के लिए आ जाएगी, लाइबा से उठा जाएगा, लाइबा तो एक्साइटेड है. क्या वो, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? लाइबा ये नहीं पूछेगी कि कास्ट क्या है, लाइबा ये नहीं पूछेगी कि राइटर कौन है, डायरेक्टर. लाइबा एक सीन के लिए भी आ जाएगी, बुला लेना बस. तो यस, आई नो, आप फैंस होते हैं ना, फिर आपको एक्चुअली में जब मुलाकात हो जाए तो वो एक और ही फीलिंग होती है, बिकॉज आपका शौक और रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा होती है उस इंसान के लिए. हिबा बुखारी, हिबा बहुत अच्छी हैं. हिबा के साथ मैंने काम किया, हिबा से मेरी बड़ी अच्छी बन गई थी, क्योंकि वो भी ज़रा खाने पीने की शौकीन है, मैं भी थी. तो हम सेट पे ना अक्सर, हमने किया था सर्दियों में शूट, तो वो सर्दियाँ ज़रा होती ना, आप चल रहते हो, माहौल भी अच्छा होता है सेट का वैसे भी. तो हिबा से मेरी बड़ी अच्छी है. मैंने सुना उनको चाय का बहुत शौक है, उनको कराची की सारी चाय के ढाबों का पता है. वो कभी आपको लेकर गई हैं? यार नहीं, क्योंकि हम कभी सेट से कहीं जाते नहीं थे. ओके, सेट पर ही कभी पिज्ज़ा आ रहे हैं, और हिबा एक हाथ से बिठा के खा रही, दो एक हाथ, एक टाइम पे दोनों हाथों से पिज्जा खा रही है. अच्छा. तो खाने में लव ईटिंग दैट मच. ओके, दानिश तैमूर, दानिश भाई के साथ भी काम करना था ऑब्वियसली, उनको भी देख रही होती थी, और डर लग रहा था जब उनके साथ वो सीन था. मेरा सबसे पहला सीन आई गेस वो था, कौन सा सीन, पहला सीन तो यही था नकाब वाला. उसके बाद एक और सीन था जो वो हॉस्पिटल में आते हैं बिल पे करने के लिए. अंदर से मैं भट्टी भाई मुझे डर लग रहा है. दानिश भाई के साथ में कैसे, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, तुम बहुत अच्छा करते कर लो. भट्टी भाई बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह ना, उन्होंने बड़ा मुझे सिखाया है हर एक चीज़. तो
फिर मैंने कहा नहीं, मैंने करना है, मैंने बताना है उनको कि मैं भी कर सकती हूँ. तो दानिश भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत स्वीट हैं और अच्छे हैं. टेल समथिंग अबाउट हिम दैट हमें नहीं मालूम, जनरली ऑडियंसेस को नहीं पता होगा. यार वो अपने कैरेक्टर्स को लेके ना इतना ज़्यादा वो उसमें ही इज़ लाइक बहुत ज़्यादा उसमें हो जाते हैं. अच्छा अगर उन्होंने ब्रेसलेट पहना है तो वो एक कैरेक्टर बन गया था. बॉलीवुड में आपने दिमाग में बना लिया कि आप ये हैं तो आप ये हैं, आप फिर आलिया भट्ट नहीं हैं, आप रणबीर कपूर नहीं हैं, आप फिर वो हैं. तो वो वैसे हैं, अपने काम को लेके बड़ा सीरियस हैं वो हर एक चीज़ से. कमिंग टू कैसी तेरी खुदगर्जी, इतनी उसके बारे में कॉन्वर्सेशन हो रही है. जो आपका कैरेक्टर है वो बड़ा पहले सपोर्टिव था, अब उसमें एकदम से फ्लिप आया है. तो वो नेचुरल है, वो लग रहा है, वो उसको अपनी बहन की जो सारा उसकी मतलब उसके ऊपर इतना जो गुजर रहा है उसका वो लगता है कि उसका इम्पैक्ट खत्म होता जा रहा है. वो ज़्यादा ये देख रही है कि उसके पास कितनी आसाइशें हैं, पैसा है, ये नहीं देख रही कि उसके साथ हुआ क्या है. वो ये देखिए, शुरू में जब आप लोगों ने देखा होगा तो आपने देखा कि निदा अपने आप में रहने वाली लड़की है. क्योंकि जो उसने ख्वाब देखा होता है, जब वो उठ के ख्वाब बताती है कि यार मैंने एक बड़ा खूबसूरत लड़का शुरू में, तो उसको शौक तो है कहीं ना कहीं कि एक बड़ा घर, बड़ी गाड़ी हो. और फिर वो तैयार श्यार होने वाली, अपने आप में रहने वाली एक अपनी उसमें होती है. तो जब वो देखा कि यार चलो शुरू में मसले हुए हैं बहन की वजह से और इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, कभी ये हो रहा है, बहन मर गई है, दुख था बहन के मरने तक. उसके बाद जब बहन जिंदा हो गई तब एक खुशी भी थी. और फिर जब वो मसला शुरू हुआ ना कि यार वो तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा और वो बंदा इतना प्यार कर रहा है, और जब उसने देखा ना कि यार बहन की वजह से यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जिल्लत उठानी पड़ रही है और शादी हो गई, अब तो सही हो जाए. मतलब अब शादी के बाद, क्योंकि निदा को ये लगता है कि शादी के बाद जो आपका शौहर है अब आप निकल नहीं सकते उस चीज़ से, तो बस रहो ना वो जैसा भी. और वो प्यार कर रहा है, अपनी फैमिली से लड़ रहा है, वो सब कर रहा है. फिर किस बात के नखरे हैं भाई इतने. मतलब कोई भी लड़की हो, अगर वो एक इतना प्यारा लड़का, इतना हैंडसम, इतना रिच, आपको अपनी फैमिली से लड़ रहा है, आपके लिए पागल हुआ, फिर किस बात के नखरे. मुझे लगता है कोई, मैं भी होती ना, अगर मेरी बहन होती तो मैं बोलती यार बस करना भाई, ख़त्म कर यार, हो गई शादी, चल कर. लेकिन लाइबा आपको यही प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा, क्योंकि आई नो आपका रोल नहीं है जो दुर्फिशा और उनका, लेकिन ये कॉन्वर्सेशन बहुत हो रही है कि जो शमशेर का कैरेक्टर है वो बहुत टॉक्सिक है. आई मीन वो तो सिर्फ अपनी सोचता है, उसके तभी तो कैसी तेरी खुदगर्जी है ना. लेकिन फिर उस कैरेक्टर के लिए सिंपथी क्रिएट करना, उसको हीरो बना देना, वो थोड़ा सा मसला लगता है ना आप लोगों को. आप जब आप लोग स्क्रिप्ट पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि आई नो आपका रोल है बट इस प्रोजेक्ट से आप सब रिलेटेड हैं, तो मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सब पे भी आ जाती है. तो कभी ये ख्याल आता है कि हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि एक टॉक्सिक इंसान है, उसके साथ आगे जाके शायद बुरा हो, लेकिन अभी तो हमारे लिए सिंपथी, हमारे दिलों में सिंपथी क्रिएट करा दी ना उस इंसान के लिए जो इतना कंट्रोल कर रहा है, जो जिसके लिए जो इतना सेल्फिश है, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि दूसरे लोगों के साथ क्या हो रहा है, वो सिर्फ अपनी सोच रहा है, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी फिक्र है. देखिए ऐसे बहुत से लड़के और लड़कियाँ होती हैं, मैं इसी स्टोरी पर बोल देती हूँ, जैसे अगर किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो एक्चुअली टॉक्सिक हो जाते हैं, वो पागल हो जाते हैं. जब एक चीज़ नहीं मिल रही होती तो लोग पागल हो जाते हैं उस चीज़ के लिए. अगर वो हो गए, सही है, उन्होंने खुद खर्च बन गए, सेल्फिश बन गए, उनको वो बंदी मिल गई, उसके बावजूद भी वो उसकी ज़िंदगी को अजाब कर रहे हैं, तो अब सिंपथी हो रही ना उनको. जब लग रहा है कि घर से निकाले गए हैं और वो बंदी भी अब चिढ़ रही है उनसे, तो वो आके उसने उनके उसके पेरेंट्स से माफ़ी मांगी है. सही है. अच्छा रही बात मैसेज की, तो हर ड्रामे में कोई ना कोई मैसेज होता है, हर ड्रामे में. तो ये ड्रामा भी उन लोगों के लिए बनाया गया है कि यार आप देखें, जो लोग देख रहे हैं उनको दुर्फिशा से कितनी सिंपथी हो रही है ना, कि वो उसकी ज़िंदगी अजाब बन रही है. इस तरह के बॉयज़ भी देख रहे हैं ना वो चीज़ के, यार इस तरह भी किसी के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, इतना भी सेल्फिश नहीं हो जाना चाहिए कि आप जिससे मोहब्बत कर रहे हो वो उसी के लिए अजियत बने हुए हो. तो ये मैसेज यही तो है कि यार किसी को मोहब्बत में यूँ नहीं कर लिया जाता, उसको फ्री छोड़ा जाता है. क्योंकि यूट्यूब में जो नीचे कॉमेंट्स हैं ना, वहाँ लोग शमशेर की तारीफ कर रहे हैं, उनके लिए शमशेर हीरो है. तो मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगती है ये बात कि अगर हम एक टॉक्सिक इंसान को हीरो बना, कैरेक्टर को हीरो बना के दे रहे हैं. एंड आई नो, आई एम श्योर राधेन शाह ने लिखा है, मैं उनकी फ़ैन हूँ और मुझे यकीन है कि आगे जाके इंशाल्लाह उसका कुछ दिखाएंगे अंजाम. लेकिन उस प्रोसेस में उसको हीरो बना देना, उसके लिए सिंपथी क्रिएट कर देना, वो मुझे बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है. अच्छा, क्योंकि उसके लिए कोई दरवाज़ा छोड़ा नहीं है. इतना वो इंसान एक्सट्रीम तक सेल्फिशनेस पे गया है, उसने छोड़ा नहीं है कुछ भी. वो निदा के कैरेक्टर को की धमकी देता है ना मौत की, तभी तो वो उससे शादी करता है. लेकिन जो लोग नीचे यूट्यूब पे कह रहे हैं ना कि ये टॉक्सिक इंसान, ये हीरो है, अगर ये लोग रियल लाइफ में ये चीज़ें देखेंगे ना तो ये उसको गालियाँ देंगे. ये ड्रामा है तो शायद लोग इसीलिए भी ये बात कर रहे हैं, क्योंकि लोग तो ये देख रहे हैं कि ड्रामा है तो हीरो है,
और अपनी हीरोइन से प्यार कर रहा है, पागल हुआ है, तो लड़कियां तो इस चीज़ की फैन होती हैं, जब उनके ऊपर ये चीज़ गुजरती है तो उनको पता चलता है ऐसा नहीं है। और रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, जो लोग उसको हीरो बोल रहे हैं ना, वो रियल लाइफ में किसी को हीरो हीरो नहीं बोल रहे होंगे, वो सिर्फ ड्रामा है, तो लोग इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं।